यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के लोग भगवा झंडों के साथ कुतुब मीनार परिसर में हनुमान चालीसा पाठ करने पहुंचे थे। इनकी मांग है कि कुतुब मीनार परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ करने की अनुमति दी जाए। देखिए हमारी मांग ये है कि ये जो कुतुब मीनार है उसे विष्णु स्तंभ घोषित किया जाए। ये सनातनियों की धरोहर है और वो धरोहर हम वापस मांग रहे हैं। जो अंदर विष्णु स्तंभ है उसको विष्णु स्तंभ घोषित किया जाए, उसके अंदर जो निजी मूर्तियां दबी हुई है उन मूर्तियों को निकाला जाए, जो अंदर खंडित मूर्तियां हैं उन मूर्तियों को भी विधिवत रूप से हिंदू मूर्तियों को स्थापित किया जाए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने किसी तरह के हंगामे की आशंका में सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के नाम पे लोग कुतुब मीनार के बाहर आके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाह रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी प्रोवाइड किया और इन लोगों को डिटेन भी कर लिया गया। जो हम सुनने में आ रहा है कि इन लोगों का ये मांग था कि जो कुतुब मीनार है उसका नाम बदल के विष्णु स्तंभ कर दिया जाए। कुतुब मीनार परिसर में पूजा पाठ की मांग तब जोर पकड़ने लगी जब दिल्ली के साकेत कोर्ट में अर्जी डाली गई। साकेत कोर्ट ने कुतुब परिसर के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में लगी गणपति की मूर्ति को वहीं बने रहने का आदेश दिया है। हिंदू संगठनों का दावा है कि हिंदुओं और जैनों के 27 मंदिरों को तोड़कर उन्हीं के अवशेष से कुतुब परिसर में निर्माण किए गए हैं, लिहाजा हिंदुओं को यहां पूजा पाठ की इजाजत दी जाए। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मौजूद श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा अर्चना के अधिकार की मांग के लिए अदालती सुनवाई चल रही है। अदालत ने 26 अप्रैल को ही सर्वे का आदेश दिया। 6 मई को सर्वे शुरू भी हुआ था, लेकिन 7 मई को मस्जिद इंतजामिया ने कोर्ट कमिश्नर को मस्जिद के अंदर से सर्वे करने नहीं दिया। मामला फिर अदालत के सामने पहुंचा और कोर्ट कमिश्नर ने मस्जिद में किए गए सर्वे की रिपोर्ट और अपना पक्ष अदालत के सामने रखा। आपने कुछ पाया वहाँ पर श्रृंगार गौरी की मूर्तियाँ वगैरह जो भी चीजें? देखिए क्या रिकॉर्ड हुआ है, क्या हुआ उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं। मस्जिद की दीवार पे दो स्वास्तिक चिन्ह हमने देखे हैं, शूट किया मस्जिद के पास, मस्जिद की दीवार पे स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह कितने पुराने लग रहे हैं वो? ये तो सर्वे विभाग आपका। ज्ञानवापी में सर्वे से मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का सच पुख्ता होता है या नहीं, यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। जिस ताज की खूबसूरती की दुनिया दीवानी है, पीढ़ियों तक लोगों ने जिस ताज को मोहब्बत की निशानी समझा है, उस ताज के 22 कमरों के राज क्या हैं? इसी राज का खुलासा करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें कहा गया है कि ताजमहल के 22 कमरों में तेजो महालय के पुख्ता सबूत हैं, जो सबूत हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति के रूप में है। उन सभी 22 कमरों को खोला जाए ताकि मंदिर या इबादत गाह वाले विवाद का अंत हो। अदालत अब 12 मई को इस याचिका पर सुनवाई करने वाला है। दावा है कि ताजमहल तेजो महालय है जिसमें शिव मंदिर है। मथुरा में कटरा केशवदेव बनाम शाही ईदगाह मस्जिद के बीच जमीन के मालिकाना हक को लेकर भी एक केस चल रहा है। इसमें वादी पक्ष का दावा है कि मथुरा की ईदगाह मस्जिद में कमल के निशान हैं, ओम और स्वास्तिक के निशान भी हैं। इसके अलावा मस्जिद में हिंदू कलाकृतियां हैं। वादी पक्ष के मुताबिक 1669-70 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल पर बने मंदिर को तोड़कर ईदगाह मस्जिद बनवा दी। ईदगाह मस्जिद के विरोध में अब तक 10 केस दायर है, जिसमें से एक अहम केस 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर भी है, जिसमें से 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह के पास है। इन सभी मामलों में कोर्ट के फैसले का इंतजार है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, आगरा से अरविंद शर्मा, दिल्ली से श्रेया और ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।